मंच पर उपस्थित भारत सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे सहयोगी और वरिष्ठ नेता विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री दिलीप वासे पाटिल जी, सम्माननीय श्री डी के जैन जी, सुभाष मुंद्रा जी, दीपाली भानुशाली जी, हमारे ग्रैंड जूरी प्रोफेसर रामचरण जी, गोविंद राजन पद्मनाभन जी, आज जिन्हें यशराज भारती पुरस्कार से सम्मान से सम्मानित किया गया, ऐसे डॉक्टर अभय बंग जी, डॉक्टर भट्ट जी, प्रदान के सरोज महापात्रा जी और अजय भूषण पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, बहनों और भाइयों, मैं यशराज का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये आभार समारोह यहाँ आयोजित किया गया और मुझे इस बात की खुशी है कि इसको आभार समारोह कहा गया है, क्योंकि जिनको हमने सम्मानित किया है ये सम्मान उनके प्रति समाज का आभार प्रकटन है कि आपने जो कार्य किया उस कार्य को समाज एक्नॉलेज करता है और उसके प्रति एक प्रतिबद्धता, एक कृतज्ञता और एक आभार व्यक्त करता है। वैसे तो अगर हम जिन्हें सम्मानित किया गया उनका कार्य देखें, डॉक्टर अभय बंग जी, इन्होंने सर्च के माध्यम से जो कार्य किया है और उनके साथ साथ डॉक्टर रानी बंग और अगली पीढ़ी में उनके सुपुत्र डॉक्टर आनंद बंग, सालों से जनजातीय क्षेत्र में, गढ़चिरौली जैसे क्षेत्र में एक ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क, और जिस समय वो वहां गए उस समय की तो परिस्थिति हम सब लोग समझ सकते हैं, कुछ भी था नहीं, कोई व्यवस्था तो थी नहीं, अंधश्रद्धा थी, लोगों में एक वायलेंट एटीट्यूड था। तो न केवल लोगों का एटीट्यूड बदला बल्कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी वहां पर लोगों में लाने का काम ये सर्च के माध्यम से उन्होंने किया, और लगातार अलग अलग प्रकार से वे कार्य करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही उचित इस प्रकार के व्यक्ति और संस्था को यह सम्मान आपने दिया है, मैं यशराज का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। डॉक्टर भट्ट साहब ने जिस प्रकार का एक डिसरप्शन तैयार किया है, और चूंकि हम लोग भी सरकार में काम करते हैं तो हमारे सामने आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र जैसे तुलना में समृद्ध इस प्रकार की सरकारें भी सुदूर ग्रामीण भागों में हेल्थ केयर नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि ट्रेंड डॉक्टर्स वहां जाना नहीं चाहते। आज परिस्थिति यह है कि जो हमारी व्यवस्था में पढ़ते हैं, जिनकी पढ़ाई को एक प्रकार से सरकार सब्सिडाइज करती है और इसलिए अपेक्षा व्यक्त करती है कि पढ़ने के बाद एक या दो साल बॉन्ड के रूप में ग्रामीण भागों में जाकर वो काम करे, तो मुझे कहते हुए दुख भी होता है कि इनमें से कई बालक ऐसे हैं कि जो बॉन्ड तोड़ने के 50 लाख रुपए भरने को तैयार है लेकिन जाकर साल या दो साल काम करने को तैयार नहीं है। इसलिए एक बड़ी दुविधा है, जहां एक ओर महाराष्ट्र में हमारे शहरों में
बेस्ट ऑफ द टर्शरी केयर है वहां पर ग्रामीण भागों में प्राइमरी केयर के लिए भी एक संघर्ष होता है। और आज इस संघर्ष को अगर हमें समाप्त करना है तो जैसा कहा गया कि अब हेल्थ केयर को ग्रामीण भागों तक पहुंचाना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी से ही यह संभव हो पाएगा। और जिस प्रकार की डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण भारत नेट जैसे प्रोग्राम ने, और जिसको हमने महाराष्ट्र में महानेट के रूप में पूरा किया, आज हमारे 29,000 ग्राम पंचायतों तक हमारी फाइबर पहुंची है। और अब 5G रोल आउट होने के बाद, 4G में तो थोड़ा टाइम लैग था, हालांकि 4G में भी हमने कुछ प्रयोग किए कि 100 किलोमीटर दूर भी अगर स्टेटोस्कोप लगाया तो धड़कन सुनाई आएगी, डॉक्टर जहां होगा, ये प्रयोग हमने किए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ लैग ये रहता था। लेकिन मुझे लगता है कि 5G के आने के बाद, और डॉक्टर भट्ट साहब आपने जो ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज लाई है, इसके कारण अभी जो सुदूर क्षेत्रों में हमें हेल्थ केयर पहुंचाना है वो पहुंचाना आसान जाएगा, क्योंकि पहले तो सारे आपके इन टेक्नोलॉजीज के कारण डायग्नोस्टिक्स ये आसान होंगे। 5G के कारण आज हम लोग वो डॉक्टर्स तक पहुंचा पाएंगे, उनको सीधे हम जोड़ पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ये 5G हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, इसके कारण हेल्थ केयर के सेक्टर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और ये सारी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो है, ये निश्चित रूप से गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए और दूर सुदूर बसने वालों के लिए एक वरदान के रूप में साबित होने वाली है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत सही सम्मान यहां पर किया गया है। आज प्रदान जैसी संस्था, मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, सरकारें तो अपना काम करती है, सरकार के कामों में नियम होते हैं और कई बार उन नियमों में संवेदनाएं समाप्त हो जाती है। तो सरकार की मशीनरी ये नियम से काम करती है और संवेदना भूल जाती है। लेकिन जो NGOs होते हैं, जो सिविल सोसाइटी होती है, जो व्यक्ति अपने मन से कार्य करते हैं, तो उनमें संवेदनाएं होती है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जब सरकार की मशीनरी ये NGOs के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ जब जुड़ जाती है, तो उनकी संवेदना और किसी भी चीज को स्केल करने की सरकार की एबिलिटी, ये दो चीजें मिलकर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। पिछले समय जब मुख्यमंत्री के रूप में मैं कार्य कर रहा था, हमने एक विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम शुरू किया और अलग अलग प्रकार के NGOs, फाउंडेशंस, कॉरपोरेट्स, इनको साथ में लाकर 1,000 गांवों में हमने उन गांवों को जो हमारे SDGs है उससे कंप्लायंट हम उसको करें, इस प्रकार का कार्य शुरू किया। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही परिवर्तन उन गांवों में उसके कारण हुआ। ये बात अलग है कि बाद में कुछ समय सरकार बदली, फिर कोविड आया तो कुछ वो थोड़ा अटका, लेकिन अभी उसको वापस हम गति दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इस प्रकार से समर्पित कार्य करने वाले लोगों को साथ में लेकर काम करते हैं, महाराष्ट्र में जलयुक्त शिवार जैसी योजना हम लोग यशस्वी कर पाए, 20,000 गांव में हम लोग जल संधारण का कार्य कर पाए, इसका कारण यही था कि उसमें जन भागीदारी आई और NGOs ने एक बड़ी भूमिका निभाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधान जैसा जो कार्य होता है या ऐसे काम करने वाले जो लोग हैं, ये इनके साथ अगर सरकारें हाथ में हाथ डालकर काम करे तो बहुत परिवर्तन हो सकता है। आज का जो हमारा तीसरा पुरस्कार डॉक्टर अजय भूषण पांडे जी को मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन को सही रूप में, यथार्थ में लाने का काम करने वाले जो लोग हैं उनमें डॉक्टर अजय भूषण पांडे जी हैं। और देखिए, अगर हम
इस सदी के टेक्नोलॉजी का चमत्कार क्या है, अगर ऐसा पूछे तो जिन चार बातों का उन्होंने उल्लेख किया, ये चारों चमत्कार है। आधार अपने आप में चमत्कार है, यूपीआई जो दुनिया का आज सबसे बड़ा गेटवे तैयार हो रहा है, ये अपने आप में एक चमत्कार है। जीएसटी का जीएसटीएन नेटवर्क, ये अपने आप में चमत्कार है। और फेसलेस ये जो व्यवस्था असेसमेंट की गई, ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। मैं एक उदाहरण केवल आपको देना चाहता हूं कि हम लोगों ने जिस समय हमारे रेशन कार्ड्स का आधार सीडिंग शुरू किया, आपको आश्चर्य होगा कि हमारे ध्यान में आया 1 करोड़ रेशन कार्ड या तो बोगस है या लोग अस्तित्व में नहीं है। और जब उन 1 करोड़ों को निकाला गया तो नए ऐसे 1 करोड़ लोग हम उनमें जोड़ पाए कि शायद जिन तक राशन नहीं पहुंच सकता था, या जो लोग हकदार थे लेकिन चूंकि सरकार तो स्टैटिस्टिक्स से चलती है तो स्टैटिस्टिक्स में तो 70% हो गए थे, तो इसका मतलब वो कवर्ड ही थे। लेकिन जैसे ये 1 करोड़ निकले तो असली 1 करोड़ हकदार लोग उस सिस्टम में आए, ये चमत्कार हमको होता हुआ दिखाई दिया। आज आधार के कारण लाखों करोड़ रुपए हमारी सिस्टम से जो निकल जाते थे, वो उन रुपयों को हम बचा पा रहे हैं। आज हम लोग देखिए, यूपीआई ने हमारे लिए एक डिजिटलाइजेशन का एक और डिजिटल पेमेंट सिस्टम का एक ऐसा गेटवे खोल दिया कि अब दुनिया में देखिए, जिस देश में लोग कहते थे, जब प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते थे कि भाई डिजिटल पेमेंट होना चाहिए, डिजिटल पेमेंट होना चाहिए, तो लोग मजाक उड़ाते थे कि साहब कहां से होगा और गांव में इंटरनेट कहां से आएगा और लोग कैसे करेंगे। आज सब्जी बेचने वालों के यहां भी डिजिटल पेमेंट शुरू हो गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एक चमत्कार है। और देखिए, जिस समय जीएसटी आया तो लोग ये कहते थे कि देखिए 40 देश तो ऐसे है कि जहां जीएसटी फेल हो गया साहब, ये चल नहीं सकता है, और इतने बड़े भारत जैसे देश में चल नहीं सकता है। लेकिन जीएसटीएन जैसा जो नेटवर्क तैयार हुआ, आज देखिए सारी चीजें डिजिटली हो रही है। और जीएसटी के कारण हम लोग टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी बन रहे हैं, और आज 18 लाख करोड़ रुपया अनहर्ड ऑफ जीएसटी का कलेक्शन होता है। तो देश के विकास में ये जिस प्रकार का एक चमत्कार, और फेसलेस तो एक ऐसा चमत्कार है कि जिसने देखिए, सरकार में हमेशा ये होता है कि चाहे वो मंत्री रहे चाहे अधिकारी रहे, सभी को एक अपना अधिकार होता है, और कई बार अधिकार एक अहंकार भी तैयार करता है, और कई बार अहंकार नहीं तैयार होता तो गलत आदतें भी तैयार होती है। तो इसलिए किसके पास जाना है, किसके हाथ में मेरी मुंडी किसके हाथ में है, ये पता है तो उसको भी पता है कब मरोड़ना है, और इनको भी पता है कि कैसे छुड़ाना है। तो इससे देश का भी नुकसान होता है और सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी समाप्त हो जाती है। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जी ने फेसलेस सिस्टम की बात की, जिसको अजय भूषण पांडे जी ने यथार्थ में लाकर दिखाया, आज ऐसा चमत्कार हो गया कि अगर मैं इस बात को कहूं तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन पहले कुछ जगहों पर लोग पोस्टिंग मांगते थे, वहां कोई मांगता ही नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित ही जिन लोगों ने समाज में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ऐसे लोगों को सम्मानित करना, उनके प्रति आभार व्यक्त करना, ये समाज की जिम्मेवारी है। मैं नहीं मानता कि इनमें से किसी ने भी इस सम्मान के लिए कार्य किया, लेकिन जब हम इन्हें सम्मानित करते हैं तो समाज में निश्चित रूप से ये बात जाती है कि जो अच्छा कार्य है उसके पीछे समाज खड़ा है, और इनके कार्य को देखकर समाज में ऐसी प्रवृत्तियां तैयार होती है, ऐसी प्रेरणा तैयार होती है कि जिस प्रेरणा के कारण अन्य लोगों को भी लगता है कि हम भी अच्छा काम करें,
अच्छा काम जब देखते हैं तो अच्छा काम करने की इच्छा होती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मान है। यशराज स्वयं ही एक एनजीओ के रूप में आदिवासी क्षेत्रों में इतना अच्छा कार्य कर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य कर रहा है, और साथ साथ इस सम्मान के माध्यम से समाज में प्रेरणा भी पैदा करने का काम यशराज कर रहा है। इसलिए यशराज के सभी जो ट्रस्टीज है उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में डीके जैन साहब ने जिस समय मुझे कहा था कि इस कार्यक्रम में आना है, उस समय मुझे पता नहीं था कि यह कार्यक्रम इतना सुंदर है, पर जब इसकी सारी जानकारी मेरे पास आई तो मैं तो जैन साहब आपको और यशराज के सभी ट्रस्टीज को कहूंगा कि मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया और ऐसे लोगों को सम्मानित करने का मौका मुझे दिया। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।